नमस्ते जुलेट अशी द लेक। नमस्ते जुलेट अशी द लेक। तो आप सभी का स्वागत है ट्राइबल गर्ल में। जैसा कि आप सभी परिचित है कि हमारी दादी माँ यानी कि आपी काफी समय के बाद आप सभी के सामने पधारे हैं। तो हमारी जो लास्ट वीडियो हमने जो बनाई थी वो थी हमारी लोक कहानियाँ। जैसा कि आप सभी को पता है लोक कहानियाँ हमारी किन्नौरी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आजकल जैसा आपको पता है हमारे मनोरंजन के कई सारे साधन हैं, परंतु हमारे अगर हम पीछे हमारे पास्ट भूतकाल में देखा जाए तो उस समय जो है सिर्फ ये जो आपी के जो लोक कहानियाँ हैं यही हमारे मनोरंजन का साधन होती है। और साथ ही साथ ये जो लोक कहानियाँ हमारे लोक जीवन का एक आधार है, मैं कहना चाहूँगी एक ऐसा दर्पण है जो आज के समय में कहीं ना कहीं धुंधला होता जा रहा है। तो इस धुंधलेपन को दूर करने के लिए हम जो है एक लोक कहानी लेकर जो है आप सभी के समक्ष जो है आज जो है प्रस्तुत हुए हैं। तो आप ही कथा तारिया तारे सीता हुए अलस तारे हिरू सीता हिरूरानी लाल बेटाया। तो आप ही जो है हमारी जो है हमसो की बोली जो है जो लाब्रंग कानम और स्पीलो में बोली जाती है उस बोली में जो है आप ही कहानी सुनाएंगे और मैं हिंदी में उसका अनुवाद करूंगी ताकि आप सभी भी इस कहानी को समझ सके। तो आप ही सुनाने वाले हैं बेहद ही मशहूर और बेहद ही पुरानी लोक कहानी जिसका नाम है हीरू रानी और लाल बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल बेटा ये रानी समय हीरू रानी। तो आप ही बोल रहे हैं कि एक गांव में एक राजा थे, उनके बेटे का नाम था लाल बेटा और दूसरा ही एक गांव होता है एक राजा की एक बेटी होती है जिनका नाम था हीरू रानी। लाइफ तो दड़ी विश्व जोड़ी यमला मन भोगला से मामा थे विश्व जोड़ी थे विश्व ईसा को ये थे ताई मैं हीरू रानी ने नाम शाम का तुम ता लाल हीरू रानी लवे लाल बेटे और ओम पता किस ने हो या ले ओम की किस ने हो लाल बेटा ता तो जी गेट यम रान जी घर पर आए और ओम पो दियो ओ तेते घणो दा सो मोर पो तो खबो नाम जा हम दियो। अच्छा ताई लाल बेटा ने ता ने ले जी रे नाम जा आज शाम ने चाम पे रखी वाली को मत बिनो। तो आप ही ने बताया कि जो हीरू रानी है वो लाल बेटा को कहती है कि इस रास्ते से मत जाना, मुझे दूसरे रास्ते से ले जाना क्योंकि उस रास्ते से जो है राजा आ रहा था उनके रिश्ते के लिए। तो लाल बेटा ने सोचा कि ये जो लड़कियां हैं बाद में पछताती हैं तो इससे अच्छा है कि उनको उसी रास्ते से ले जाए। तो लाल बेटा हीरू रानी को उसी रास्ते से ले जाते हैं तो सामने देखते हैं वो जो राजा है इतना बड़ा उसका यहाँ पे गनुक होता है यानी कि जो एडम्स एप्पल होता है ये काफी बड़ा होता है और सुंदर भी नहीं होता है देखने में। जो वो राजा होता है उसको पता नहीं होता है कि ये ही हीरू रानी है तो उसको मालूम नहीं होता है। तो वो उनको बोलता है कि चलो तुम दोनों मेरे नौकर बन जाओ। तो फिर क्या होता है कि हीरू रानी को गुस्सा आता है और वो घोड़े को चाबुक से मार के भगा देती है। जो वो राजा होता है वो हीरू रानी और साथ में लाल बेटा का तो पीछा करता है। तो लाल बेटा बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो हीरू रानी बोलती है कि तो चलिए तीर मारते हैं, जहाँ पे तीर जाएगा वहीं पे हम रुकेंगे और वहीं पे खाना खाएंगे। तो लाल बेटा जो है एक तीर मारते हैं तो जो तीर होता है वो एक तालाब के पास जाता है जो बहुत ही नज़दीक होता है। तो हीरू रानी को गुस्सा आता है, वो उनसे जो है तीर ले लेती है, छीन लेती है धनुष और तीर और वो एक तीर मारती है तो एक बहुत ही ऊँचे से जो एक मकान है वहाँ पर जो है उनका तीर जो है जाके लगता है। तो वो एक ऐसे डिसाइड करते हैं कि वहीं पर जाके वो जो खाना खाएंगे। तो आप ही ने बताया जो तीर था लाल बेटा हीरू रानी का वो एक बहुत बड़े मकान में जाके लगता है। तो वो जो मकान था वो 60 ठग का था, उसमें 60 ठग और उनकी 7 बीवियां रहती थी। तो 7 जो है ठग जो है वो आयलंग जो आयलंग मतलब हमारे बोली में कहते हैं कि वो शिकार के लिए गए थे, मतलब कि कोई जानवर या फिर वो आदमी का मीट भी खाते थे वो जो ठग है। तो वो सब कुछ खाते थे ऐसा माना जाता है। तो वो जो है उनके शिकार के लिए चले गए थे। तो जो हीरू रानी है वो सबसे जो छोटी वाली
जो ठग की जो बीवी होती है उसको बोलती है कि मेरे सर के सर में जो है जुए देख के दे, तो वो ऊपर ऐसे सर बैठ के ऐसे जुए देख रही होती है, तो जो है उसके हीरो रानी के चेहरे के ऊपर जो है कुछ छींटा सा आता है, तो वो ऊपर देखती है कि यहाँ तो बारिश तो हो नहीं रही है, तो वो देखती है कि वो जो ठग की जो बीवी है वो रो रही होती है, तो वो जो पूछती है कि क्यों रो रही है तू, मतलब क्यों रो रहे हो, तो वो बोलती है कि जो ठग की बीवी है वो बोलती है कि मेरे जो जितने भी जो सात जो ठग हैं वो जो है शिकार के लिए गए हुए और उन्होंने ऐसे प्लानिंग की है, उन्होंने एक योजना बनाई है कि तुम दोनों को वो मार देंगे और तुम्हारा मीट खाएंगे, तो वो जो ठग की बीवी है वो बोलती है कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि तुम दोनों इतने सुंदर और इतने काबिल हो तो तुम्हें वो मार देंगे, तो ये सुन के मुझे बहुत ही दुख हुआ, इसलिए वो रो रही है। सबसे छोटे वाले जो ठग की बीवी होती है वो बोलती है कि जो मेरा पति होगा सबसे लास्ट वाला मेरा पति है तो उसको मत मारना, तो वो जो सात ठग होते हैं वो सात के साथ जो है ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं। अच्छा चंगलोर, तो हीरू रानी बोलती है कि तुम सात एक साइड से बैठ जाओ एक तरफ और हम दो एक तरफ बैठ जाते हैं, तो लाल बेटा को वो बोलती है कि तीर मारो, तो लाल बेटा का तीर किसी को नहीं लगता है और वो जो हीरू रानी है वो उससे तीर और कमान दोनों छीन लेती है, छह के छह जो ठग होते हैं उनको जो है तीर मार के जो है वो मार देती है, और जो लास्ट वाला जो होता है जो सबसे छोटा वाला जो ठग होता है उसको वो बख्श देती है। तो बोनी बंधु का मासी वाली सब दसी लोग ता चांग वाला तो ला एने हिरु राने लाल भी लगा जान था वागुं लोग जी एंजो बसो किन्हीं चेहरे लाई किन्हीं चेहरे तो किन्हीं से नुकुर तो रखो अच्छा किन्हीं से नुकुर तो रखो हिरु राने से मैं लाल भी लगा के ले लो उन्हीं से उसी नुकुर उम लाई लो जा क्यों अच्छा एनी फैशन लोग जी नो बाहर तो बस रहे जो सबसे छोटा वाला जो ठग होता है जो जिंदा रह जाता है तो उसको बाकी ठग की बीवियां बोलती कि तू कैसे नहीं मरा, या तो तू मर जा या तो फिर इन दोनों को मार के लाओ, मतलब इस तरह की वो जो है उसको धमकी देती है। तो वो जो ठग का जो सबसे छोटा वाला ठग होता है वो हीरू रानी और लाल बेटा को बोलता है कि मैं तुम दोनों का नौकर बन के आ सकता हूँ, तो हीरू रानी तो मना करती है पर लाल बेटा बोलता है चलो कोई बात नहीं चलो तुम हमारे नौकर बन जाओ। तो वो जो ठग होता है वो लाल बेटा को बोलता है चलो हम घूमने के लिए चलते हैं, और वो जो ठग होता है वो लाल बेटा को बोलता है कि आप अपने कपड़े मुझे दे दो और मैं आप मेरे आप पहन लो, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं आपके कपड़ों में कैसा लगता हूँ। तो वो जो है उसको तालाब के पास एक ले जाता है और उसमें उसको जो है लाल बेटा को उसमें जो है धक्का दे देता है और खुद जो है लाल बेटा बन के चले जाता है घर में। लाल बेटा मेन ठग होता है वो लाल बेटा बन के घर में जाता है और हीरू रानी को बोलता है कि आप पहले चलो, तो हीरू रानी बोलती है कि आप पहले चलो, तो वो नहीं मानता है पहले चलने के लिए, तो हीरू रानी को पता चल जाता है कि ये जो है ठग है और मेरा लाल बेटा नहीं है, तो उसको वो क्या बोलते हैं तलवार से टुकड़े करके उसको वहीं पे मार देती है। हीरू रानी जो है वो उस तालाब के पास जाती है और वो जो लाल बेटा है उसकी लाश को उससे निकाल के जो है गले लग के रो रही होती है, तो ऊपर से जो है शिवजी और पार्वती जा रहे होते हैं और शिवजी जो है पार्वती को बोलते हैं कि नीचे देख के मत चलना सीधा देख के चलना, पार्वती जो है वो नीचे देखते हैं और उनको दिखता है कि हीरू रानी है वो लाल बेटा को पकड़ के जो है रो रही है, तो उनको बहुत
दया आ जाती है और वो शिव जी को बोलती है कि इनको आप जीवित करो, नहीं तो मैं यहीं पे इन दोनों का साथ जो है इंतजार करूंगी। तो शिव जी जो है अपने मंत्र वगैरह से जो है लाल बेटा को जो है दोबारा पुनः जो है जीवित कर देते हैं। अलादा अभी मेरा निश्चय समझ है हीरो रानी ने लाल बेटा लो जब ब्रिंजान तो जान थोड़ी तो दही नहीं नहीं पैसा क्यों जो लाल बेटा ताकि अब तुम जान हीरो रानी मैं तुम रहने दिन जाऊँ मैं ताली तुली कान पैसा या आली तुली कान पैसा या लो ऐसे ऐसे राशि मोनी होता तो हीरो रानी और जो लाल बेटा है वो एक उस बाजार में जो है मकान लेके वहां पर रहने लगे और जो लाल बेटा है वो जो है बाजार में सौदा लेने के लिए जाते हैं और सबको एक एक पैसा जो है वो देके जाते हैं जितने भी वहां पे व्यापारी होते हैं। और लास्ट में जो है वो होता ऐसे कि उस गांव में जो है उस जो मुल्क में जो है वहां पे जो है राजा नहीं होता है तो जो लाल बेटा को राजा बनाने के लिए जो है वहां के जो लोग होते हैं उन्हें जो है एक बकरी के अंदर एक खड्डू के अंदर जो है वो डाल देते हैं। और जो हीरो रानी है वो काफी उनका इंतजार करती है कि काफी टाइम हो गया लाल बेटा आया नहीं। तो उसके बाद जो है वो जो वहां से जो लाल बेटा ने जो एक एक पैसे दिए होते हैं वो उसको लेके दोबारा जो है वापस वहां पे जाती है। तो वो दोनों जो है लाल बेटा और जो हीरो रानी है एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं बता सकता है। तो मरी ता हीरो रानी ता लाल बेटा सु हीरो रानी उसीला मटन खट्टो बसो थोड़ा बहुत जो है कहानी भूल गए। तो अपी ने जो है अपने टाइम पे जो है अपनी जवानी के टाइम पे जो है हमारी बुआ मेरी जो अने हैं इनको सुना के रखी है जो जितनी भी कथा जितनी भी कहानी है। तो अने जो है इस कथा को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे आप सबके साथ जो है हम आगे जो है इस कथा को साझा करेंगे। अच्छा दर अने दर छिमाऊ था उसी ना तो छी ता राधा माते रू दोनों को अच्छा हीरो रानी राली राधा ला मारू ता ताऊ कि दोपांग दा हीरो रानी लो जी देशाऊ नाऊ ताचे ली डुंगार तो अटंकार शिव तो वो जो लाल बेटा और जो हीरो रानी को राजा बनाने के लिए जो वहाँ पे ना काफी सारे जो है उनको जो चैलेंजेस जो है वो करने पड़े, लंबी लंबी बिल्डिंग से उनको छलांग लगाना पड़ा। तो ऐसे कर करके जो है हीरो रानी जो है बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पर जितने भी खड्डू है तुम्हारे गाँव में उन सबको लेके आओ। तो उनको पता चल जाता है कि एक खड्डू में जो है लाल बेटा को छुपाया हुआ है तो उसको जो है निकाल के जो है लाल बेटा के साथ वो चले जाते हैं और वहीं पर जो है वहाँ पर जो है एक मकान में वो रहने लगते हैं। तो हीरो रानी को बहुत ही गुस्सा आया होता है कि लाल बेटा की जिसे मेरे को इतने सारे कष्ट सहने पड़े तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जो है गुस्सा हो जाती है वो तो कहती को लग दो अभी ये रूरा नहीं चाहे इतना को रहा तो आप उसमें नहीं होता। अच्छा चाहे भी था ये दिन अच्छा लाल बेटा ये रूरा नहीं चाहे ना सिपुते सिपुते लो चाहे ना उसको ना बस भी था लाल बेटा जिसको नहीं हीरो रानी लो क्या तिंग कर पाता नहीं और अच्छा तो नहीं मैं हूँ अला हूँ मुझे मुझे को लाल बेटा माते अच्छा। तो लाल बेटा और हीरो रानी जो है लाल बेटे के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है। तो लाल बेटा जो है वो हीरो रानी ऐसे उनको पीट देकर होती है तो लाल बेटा बोलता है कि इधर देखो पीछे देखो हीरो रानी जिसको ना हीरो रानी मिन्नंग तिंग गोदपाता ही हो मतलब बाद में आपको दुख होगा। तो वो तीन बार बोलते हैं लाल बेटा पर फिर भी जो है हीरो रानी पीछे नहीं मुड़ती है। तो वो जो लाल बेटा है वो जो है वहां पर गायब हो जाते हैं एकदम से अदृश्य हो जाते हैं। जब हीरो रानी पीछे देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता है ना माते। अच्छा अच्छा इधर कपो में मैं थे ना ठीक ही हुआ। अच्छा ता और आज मैं भी हाल में लोग का तिहानी माता शायद तो चलो शुरू मानी था कौन और एक की प्यादी
जिसको नहीं हीरो रानी जब इनके पता नहीं लोग दर्शन अच्छा आमे में ही लोग इनको तो हीरो रानी साथ पर तो अंदर में लाके किस ना थी हीरो रानी है वो एक दादाजी होते हैं वहाँ पर उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर कुछ आवाजें तो नहीं आती है तो दादाजी बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है एक पक्षी है वो आता है और वो बोलता है जिस खुद ने हीरो रानी मिन्नंग्याप्ति ग्योत्पाताई हो मतलब ऐसे करके कुछ बोलता है तो वो हीरो रानी बोलती है कि दादाजी क्या मैं आज आपके साथ यहाँ पर बैठ सकती हूँ शाम को यहाँ पर हीरो रानी है वो वहीं पे दादाजी के पास इंतजार करती है और वहाँ पे शाम को जो है सच में एक जो पक्षी है वो वहाँ पर आता है और बोलता है जिस खुन्ना हीरो रानी मिन्नंग्याप्तिं ग्योत्पाताई करके ऐसे जो बोलता है तो हीरो रानी जो है उस पक्षी को पकड़ लेती है और वो पक्षी जो है वो बोलता है कि आज वो पक्षी जो है वो लाल बेटा ही होता है और लाल बेटा बोलता है कि जब मैंने आपको बोला था पीछे मुड़ के देखने के लिए तब तो आपने जवाब दिया नहीं और अब मैं अब पक्षी बन चुका हूँ मैं तो लुमो राजा का बेटा हूँ लुमो राजा मतलब हमारे यहाँ किन्नौर में कहा जाता है लुमो राजा यानी नाग देवता का बेटा हूँ तो बड़ा मुश्किल है अब मुझे दोबारा ऐसे आदमी का वो दोबारा से रूप लेना तो वो बोलते हैं कि हीरो रानी बोलती कि कुछ तो होगा तो हीरो रानी को वो बोलते हैं कि आप मेरे माँ बाप के पास जाओ और वहाँ पर जाके ऐसा बोलना गिमो डाल गिस्पो डाल करके ऐसा बोलना बोलेंगे कि नमशा छिगिनु तुरेन मतलब क्या चाहिए आपको तो उन्होंने तो लाल बेटा तो हीरो रानी ने बोलना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो उससे आगे बताएंगे दा पर्जी छंग आला नोर दा छिन नले किद ना रिंग लो सोचो छेव माइन ना दा ई कुचांग ई चूजान ई आरो गिन नखलो ओ दो था मा सोचो छेव माइन ओ सास ससुर बोलेंगे कि हीरो रानी को कि क्या चाहिए तो उन्होंने बोलना है कि हीरो रानी की आपका जो बीच वाला बेटा है वो चाहिए और बाकी तो कुछ नहीं चाहिए मुझे एक चूजन यानी कि एक डस्टर जिससे सफाई करते हैं वो चाहिए एक कुचंग यानी कि झाड़ू और साथ में एक अरबो मतलब हमारे किन्नौर में यहाँ पर एक अरबो दिया जाता है जिसमें हम हाथ धोते हैं तो वो तीन चाहिए तो ऐसा करके उन्हें वहां जाना है हीरो रानी जो है वो वहां पर जाती है गिमो डाल के उसको डाल बोल के और जो है सच में वही तीन चीजें मानती है एक चूजन अरबो और कुचंग यानी ये तीन चीजें जो है सास ससुर से मांगती है लाल बेटा के तो वो जो तीन जो है ये जो चीजें होती है झाड़ू डस्टर और ये जो अरबो है ये जो है बाग बगीचा और महल बन जाते हैं और साथ में जो है वो जो हीरो रानी और जो लाल बेटा है हंसी खुशी रहते हैं तो आने का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आने ने इस कहानी को जो है पूरा किया और अभी जो है थोड़ा सा भूल गए थे क्योंकि अभी में मैंने ठीक किया है धन्यवाद आने ने जो है ये कहानियां जो है अभी ने अपने टाइम पे जो है अपनी जवानी के टाइम में आने को बहुत सारी कहानियां सुनाई है हाँ जी कितनी और है बहुत सारा कहानी है आपका ये टाइम नहीं है कहानी तो बहुत सारा है और कौन कौन से आने और है लिंगसिन केंद्रा है वो क्या है दूसरा बहुत सारी कहानी है हमारी लोक संस्कृति में तो कुछ कुछ ऐसी कहानी भी है जिसको सुबह से मतलब रात से लेकर सुबह हो जाती है फिर भी वो जो है लोक कहानियां जो है खत्म नहीं होती है तो बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है ये जो लोक कहानी हमारी लोक संस्कृति का आशा करती हूँ आप सभी को ये जो कहानियां है पसंद आई होगी और अच्छी तरह से सुनना आप लोग अच्छा लगे दोबारा सुनाएंगे हम लोग हाँ दोबारा कंटिन्यू करेंगे एक और कहानी आप सभी के साथ तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो करें इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आगे बढ़ाएंगे जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय ओके तो हाँ एक और बात मैं बताना चाहूंगी मेरी जो बुआ है बहुत ही यहाँ की जो है लवरंग गांव की बहुत ही मशहूर कलाकारा है बहुत ही फेमस जो है कलाकार है बहुत ही सुंदर गाना गाती है तो एक गाना हो जाए अरे गोलो ना ये भी उलो ना
क्या